शंखनाथ रैली से बीजेपी का चुनावी आगाज हो चुका है। थानेसर से बीजेपी ने अभियान शुरू किया है। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल रैली में शामिल हुए, साथ ही साथ हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। जनता के अविश्वास को हमने विश्वास में बदला, सीएम नवसरी ने कहा। आपको बता दें हरियाणा में उद्योग का पहिया तेजी से घूम रहा है, सीएम ने कहा। तो आपको बता दें धर्मनगरी से बीजेपी का शंखनाद हो चुका है और इस दौरान मनोहर लाल भी मौजूद रहे, हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे और साथ ही साथ सीएम ने कहा कि जनता के अविश्वास को हमने विश्वास में बदला, हरियाणा में उद्योग का पहिया तेजी से घूम रहा है। हमने ऐसे बिचौलियों की दुकानदारी को भी बंद किया है जो नौकरियों में भाइयों दलाली का काम करते थे और जो दलालिये लेते थे, इसी के द्वारा ही हमने बिचौलियों प्रदेश को भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जात पात, क्षेत्रवाद से मुक्त करके विकसित हरियाणा का निर्माण करने का कार्य इन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये गर्व है आप लोगों के बीच में कहते हुए कि आपने हरियाणा बनने के बाद कई सरकारों का कामकाज देखा है। कांग्रेस के कार्यकाल के पहले विकास के मामले में क्षेत्रवाद पनपता था, दिखाई देता था। याद करिए कैसे 10 वर्ष 2014 से पहले निराशा, अविश्वास, कुंठा, भय, भ्रष्टाचार का दंश ये प्रदेश की जनता झेल रही थी। भारतीय जनता पार्टी को स्पर्श जनादेश देने के बाद वह जनादेश व्यवस्था परिवर्तन के लिए था और उस पुरानी व्यवस्था को बदलने से परिस्थितियां एकदम बदलती हुई हरियाणा प्रदेश के अंदर दिखाई दी है।